सो हे गेमर्स, वेलकम बैक टू ब्लैंक गेमिंग। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फिर से रेजिडेंट इविल 3 को, वो भी पूरे 2 महीने बाद। मेरे को तो भाई अभी से जैसे मैं गेम में घुसा, मेरे को बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी। एंड मैं हाँ वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, एंड अभी भी थोड़ा सा ऐसा होगा। मतलब अभी मेरे को पूरा एक दिन लगेगा सेकिरो खत्म करने में, फिर मैं जो गेम ढूंढ रहा हूँ वो और रेजिडेंट इविल की वीडियो और आपको सेकिरो की वीडियो अगले 2-3 दिन में या फिर 3-4 दिन में देखने को मिल जाएगी। जैसे मेरी सेकिरो की वीडियो आएगी उसके बाद से रेगुलर अपलोड, डेली अपलोड स्टार्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो चलो फिलहाल तो बाकी सब छोड़ते हैं, रेजिडेंट इविल की बात करते हैं। मेरे को अभी से ही बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है, एंड हमें कार्लोस की स्टोरी से खेलना था, एंड मैंने रेजिडेंट इविल खुद कंप्लीट नहीं किया यहाँ तक, फिर से मैं यहाँ तक नहीं आया। मैंने अपने दोस्त से सेव डाटा लिया था, थैंक यू सुमित मेरे को सेव डाटा देने के लिए। एंड चलो बस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तो भाई हेडसेट डाल के खेल रहा हूँ और ज्यादा हॉरर फीलिंग आएगी। पहले तो मैं वो था ना, ईयरफोन था उसका, एक साइड खराब हो रखा था, उसे डाल के खेलता, हॉरर फीलिंग तो भाई आती ही नहीं थी बिल्कुल भी। अब देखते हैं, मजा आएगा असली। चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक जो भी सुना वो एक मेरा वॉइस ओवर था, मतलब वॉइस ओवर नहीं था, वो रियल था, और जो मैं अब कर रहा हूँ ये एक वॉइस ओवर है। बिकॉज यार पता नहीं क्या हुआ, बस इसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं जब गेम खेल रहा था और जो मेरी अलग साउंड थी ना वो बिल्कुल मर्ज हो जा रही थी। और प्रॉब्लम किस वजह से हो रही थी, मेरे स्प्लिटर से, मेरा स्प्लिटर एक्चुअली मेरा खराब था, वो गेम की साउंड और मेरी माइक को साउंड को मिक्स कर देता था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फटफड़ फटफड़ हो रही थी। रुको मैं अभी आपको सुनाता हूँ, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना वो सेव कैसी हुई आवाज़ देखना। कोई तो है यहाँ पे और लिए जाए, बंदे आ रहे हैं, एनिमीज हेड पबजी वाले बंदे आ गया। अरे ये मेरे को समझ आया, तो आपको फर्क पता चल गया होगा कैसी है कैसी नहीं। तो ऐसे में तो भाई सीधी बात है, आप लोग देख नहीं सकते, आपका मजा बिल्कुल खराब हो जाएगा। एटलीस्ट वॉइस ओवर में थोड़ा सा मजा तो बच जाएगा ना, बस एक पार्ट में आपका संभालना है। मैंने स्प्लिटर नया मंगा लिया और उसको सेट भी कर लिया है, अब कुछ नहीं होगा, बस अब हम गेमिंग करेंगे फटाफट। आज के पार्ट में बस मेरा वॉइस ओवर चालू, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा नहीं, बस 8-10 मिनट, इससे बड़ी नहीं इस वक्त, क्योंकि मुझे पता है भाई वॉइस ओवर बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। हेडसेट डाल के खेल रहा था तो रिएक्शन अच्छे आए थे, पर क्या करूँ, वेस्ट हो गया वो तो बस इस वीडियो में वॉइस ओवर चालू। अब मैं सेकिरो भी कर रहा हूँ और एक और गेम भी मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मिलती है मैं वो भी डाल दूंगा। एंड इस वीडियो के लिए सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट अब फटाफट वीडियो आएगी, फटाफट आएगी, वरना स्ट्रीम तो मैं रोज कर ही रहा हूँ, स्ट्रीम पे आ जाया करो यार, आ जाएगा। और कमेंट सेक्शन में बताया ना आपको कौन कौन सी गेम देखनी है, मैं उसकी स्ट्रीम भी कर दिया करूंगा। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो अब लोग हम गेम के अंदर आ चुके हैं, एंड ये सीन आपको याद होगा, मैंने 2 महीने पहले इस जगह पे गेम छोड़ी थी, एंड हम फाइनली फिर से आ चुके हैं यहाँ पे ग्रेवयार्ड में। ग्रेवयार्ड ही बोलते हैं ना इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, पर पुलिस स्टेशन के पास है जगह, इतना मेरे को पता है बस। और यहाँ पे हमारे पास कार्लोस है, उसके पास असॉल्ट राइफल है जिसमें इस टाइम 30 गोली पड़ी हुई है, एंड रिलोड करके ज्यादा हो जाती है मेरे हिसाब से, मुझे इतना पता शायद। और ये ब्रैड नहीं यार, मैं इसको ब्रैड क्यों बोलता हूँ, ब्रैड किसी और का नाम है, ये अफ्रीकन आदमी है, मैंने इसको असली में अफ्रीकन आदमी नाम दिया क्योंकि काला है ना इसलिए। इसका नाम ब्रैड ही शायद, मैं झूठ था, मैं गलत बोल रहा हूँ शायद, शायद से ब्रैड ही है। एंड ये पुलिस ऑफिसर अगर आपको याद हो तो, ये इसका कोई दोस्त ज़ॉम्बी बन गया होगा, मार देना, नहीं मारेगा ये, नहीं मारेगा, इसको ज़ॉम्बी बनना है, हमने रेजिडेंट इविल 2 में ऑलरेडी देख लिया है कि ज़ॉम्बी बन जाता है, यहीं से बनता ज़ॉम्बी है। कैसा पागल आदमी है भाई, मैं तो होता, मैं तो उड़ा जाता सीधा खोपड़ी इसकी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शिट इट्स लॉक्ड, ऐसे बोल रहा है जैसे वो आदमी दरवाजा बंद ही नहीं करेगा पीछे ज़ॉम्बी देख के, कैसा पागल इंसान है अफ्रीकन है। कार्लोस की डाल है भाई, जो मर्जी हो कार्लोस की डाल है, सीधी बात है। इसको तो हेडशॉट मारे मैंने, टपाटपर खत्म कर दिया इसका काम। एंड मैं थोड़ा ना काट काट के कर दूँगा क्योंकि मुझे पता पूरी वीडियो दिखाने का कुछ फायदा नहीं है, इसलिए थोड़ा काट काट के कर दूंगा मैं जल्दी में। एक वीडियो संभाल लो बस, एक वीडियो, दिल से बोल रहा हूँ बस एक वीडियो संभाल लो, ज़्यादा नहीं। एंड ये जगह मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है, बहुत टाइम वेस्ट किया रेजिडेंट इविल 2 में यहाँ पे, टाइम वेस्ट तो नहीं बोलूंगा पर बहुत मजे किए इस जगह पे, डर बहुत लगता था। एंड ये ब्रैड, इसको ब्रैड ही बोलूंगा मैं, चल अब जान दे भाई जिस मर्जी का नाम, अगर इसका आया नहीं है ये आदमी पूरी गेम में बस कंप्यूटर, जहां भी इसको कंप्यूटर दिखता है वहां बैठ जाता है भाई, तू जा कार्लोस तू जा, मैं आ जाऊंगा, यहीं बैठा रहता है बस, कुछ करता भी नहीं, देखो स्क्रीन पे कुछ चल भी नहीं रहा, अभी चल गया कोई बात नहीं, चल जाता कभी कभी। एंड अब हमारा एम है स्टार्स ऑफिस पे जाना, एंड इतना शांत होता नहीं आपको पता, उससे पहले कहीं चाबियां खोलनी पड़ती है, कहीं ज़ॉम्बी मारने पड़ते हैं, कभी दीवारें उड़ानी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या होता है, देखो आप लोग आके बस इस आदमी का बजारा में, ये अफ्रीकन आदमी जहाँ भी इसको कंप्यूटर दिखता है टक 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 करने बैठ जाता है बस, वही करता रहता है, सब जगह ज़ॉम्बी हम मारे, सब हम मारे। जैसे मैं यहाँ से देखो थोड़ा सा मैंने दरवाजा खोला, यहाँ से पहले तो आवाजें आने लगी, हाँ आवाजें आ रही थी यहाँ से बहुत खतरनाक, ज़ॉम्बी भाई एक दूसरे को टपा टप मार रहे हैं, एक दूसरे को ही पड़ रहे हैं, और सामने पता नहीं कौन था मेरे को दिखा नहीं, और वो डर लग गया था एकदम, मैं वापस चला गया, देख लो चुपचाप वापस चला गया मैं।
मेरी इसको देख के भाई पटके चार हो गई थी। मैं भाई भाग गया वहां से, चुपचाप भाग गया एकदम। इसके पास आ गया मैं, भाई तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ। ये आदमी आ ही नहीं रहा। चिकन आउट, सही बात है भाई, इधर बकेट की को जाती तो चिकन आउट की बात कर रहा है। अब मैं बस छुपते छुपाते किसी ना किसी तरह यहाँ से बस जा ही रहा हूँ। और ये लाइट को तो मैं भाई इतना कोस रहा था ना, कहाँ गई लाइट भाई, तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं आ रही, इसको टंगा के चली गई यार वो, मतलब क्या था मेरे को समझ नहीं आया। यहाँ पे एकदम शांति से हो रखी थी, बिल्कुल शांति से हो रखी थी, और मैं भाई हेडसेट डाल के डर रहा था बिल्कुल। और ये यार, ये तो मतलब लाजमी है ना, ये लोग तो आएगी ही यहाँ पे, इनको तो आना बनता ही है। और ये मरते भी नहीं ऊपर से। मेरे साथ सच बता रहा हूँ, जब मैं ये वाला पार्ट रिकॉर्ड कर रहा था, एक जॉम्बी आया, मैंने उसको एक गोली मारी, वो नीचे गिर गया। जैसे मैं पीछे मुड़ा फिर से खड़ा हो गया, दो बार ऐसा हुआ। और यहाँ पे मैं डर गया था एकदम, क्या हुआ एकदम, कौन आ गया एकदम। बेटा कोई तो है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को अब भी डर लगे, वॉइस ओवर कर रहा था, अभी डर लग गया मेरे को सच में, मेरे को याद नहीं था। फिर मेरे को फटाफट से मारा, फिर आगे चलते हैं। तो फटाफट से मारता हूँ, बोरिंग यार इनको दिखाना, बहुत सबको पता 3 हेडशॉट लगेगी इनको। ये देखो यही यही बोल रहा था बिल्कुल, मैं यही अभी मारा इसको, अभी 2 स्टेप आगे गया और खड़ा भी हो गया। वाह, रेजिडेंट ईविल को फिक्स करना जी, इनका बगे क्यों खड़े हो जाते हैं बार बार, एमओ इतना देते नहीं और ज़ॉम्बी खड़े करते रहते हैं बार बार। टी यू कॉपी, There's something real nasty in here. ये उसको फोन मार रहा है उस कंप्यूटर वाले का जो टक टक करके चलता रहता है, वो आएगा कभी नहीं आएगा। ये देखो, आई विल टेक अ लुक विद द कैमराज। ये आदमी बीच में खड़ा होकर कैमरा देख सकता है पर अपने दोस्त को सपोर्ट नहीं करने आ सकता, इतना बड़ा नूब आदमी है, डरपोक आदमी एक नंबर का। और यहाँ पे लॉकर रूम का वो लिखा हुआ था कैप, ये मैंने याद कर लिया और ऊपर जाके खोल भी दिया। ये देखो चिपक रहे, कतई चिपक रहे एक दूसरे के ऊपर। बेटा कार्लोस पे गिर जा फिर, ठीक है जिल पे मत गिरियो, घर पे आके मारूंगा। एफबीआई अलग से आएगी घर पे, एफबीआई को फोन मारूंगा सीधा, एफबीआई ओपन अप, एफबीआई ओपन अप। एंड यहाँ पे इसके लिए भी लॉक पिक चाहिए शायद, पता नहीं क्या चाहिए पर कुछ तो चाहिए यहाँ पे। अरे देखो रिंग था आ रहा है, कतई भाई स्लेन हो रहा आदमी, बिल्कुल ज़ॉम्बी है पर मान नहीं रहा, इसको मारना है, किसी को खाना है इसको भाई, चाहे रिंग रहो आदमी, कैसा आदमी है मेरे को समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे लॉकर सही हमने खोल लिया, दिखाता हूँ आपको भी। लॉकर खोलना पहले तो मेरे को थोड़ी सी मुश्किल पड़ रही थी पर फिर मेरे को याद आया मैं रेजिडेंट ईविल 2 में सीखा है मैं कैसे नूब बन सकता हूँ, ब्लैंक इज नॉट नूब। एंड मैंने उसके बाद खोल दी। लॉकर रूम खोलने के लिए यहाँ पे चाबी चाहिए थी, अब चाबी तो कहीं से ना कहीं चलानी पड़ेगी। अब ये तो रेजिडेंट ईविल 3 वाले देते ही यार। यहाँ पे मैं डर गया सच बता रहा हूँ, मैं डर गया था एकदम से, मेरा ध्यान कहीं और पे गया और सामने से एकदम चढ़ के आ गया आदमी है, मैं भग लिया चुपचाप। एंड हाँ, यहाँ से मेरे को ये मीमो मिला था, मतलब इंटरनल मीमो, इस पे लिखा हुआ था जो वो नहीं थी अपना लॉकर, उसका कोड लिखा हुआ था left 9 right 15 left 7। अब मैंने सबसे पहला काम यही किया, डार्क रूम की लाइट खोली और यहाँ से गया सीधा वहाँ पे लॉकर खोलने। एंड ये इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली खुली गई, 2 बार ट्राई लगे मेरे को, 2 से हारने लगे मेरे को। और यहाँ पे तो भाई मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, 2 मतलब हिप पाउच मिल गया यार, और क्या चाहिए इसमें। गेम में ना गोली से ज़्यादा मज़ा हिप पाउच देखने का आता, सच बता रहा हूँ मैं। और ये देखो कैसे कहते चढ़े जाते हैं भाई, ऊपर चढ़ ही जाते हैं, इंसान नहीं मिल रहा, चढ़ जाओ भाई दरवाजे के ऊपर, दरवाजे से ही तो है इंसान, और कोई थोड़ी है, पागल है यार सच में ज़ॉम्बीज लोग हैं, बहुत दिमाग खराब करते हैं। सबसे पहले तो मैंने सारे जितने भी जो चीज़ें मैंने यहाँ से ले सकता था, खोल सकता था, वो सब मैंने खोल दिए। उसके बाद मेन चीज़ आई, ब्रेक द शावर वॉल रूम। अब मेरे को दीवार उड़ानी है यहाँ पे बिल्कुल पूरी की पूरी। वहाँ पे डेटोनेटर लगा हुआ, मेरे को चाहिए थी बैटरी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैप लगा दिया, वो CAP जो कोड था। और यहाँ से मिला फ्लैश ग्रेनेड इनके मुंह में ठोकने के लिए ज़ॉम्बीज़ के लिए। तो मैं क्या बोल रहा था, वहाँ पे मेरे को डेटोनेटर पड़ा हुआ है, मतलब अगर मैं बैटरी लगा दूंगा उसमें तो मेरे को डेटोनेटर मिल जाएगा। अब मेरे को चाहिए बैटरी, अब बैटरी का स्ट्रगल चालू हो गया फिर मेरा। अब मेरे को जाना था यहाँ से ऊपर, मैं ऊपर भी चला गया। फिर ऊपर जाने में भाई डर लग रहा था मेरे को, पता नहीं क्यों ऊपर जाने में डर लग रहा था, और मेरे को सच में लग रहा था। और मेरे को की मिल गई यहाँ पे, एंड मैं तुरंत समझ गया ये की किस चीज़ की है। आपने समझा अभी तक? अरे भाई लॉकर रूम की और किसकी यार। एंड यहाँ पे भाई जब मैं नीचे जा ही रहा था, बस यहाँ पे सामने मेरे को क्या देखने को मिलता है, लिक्कर भाई, मैं डर गया था। मेरे को मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था यार लिक्कर यहाँ पे होगा, एंड यही था लिक्कर। वो रेजिडेंट ईविल 2 में बहुत मारे यार, बहुत दिमाग खराब किया रेजिडेंट ईविल 2 में, पर किसी ना किस तरह मर ही गया, वरना मैं मरने वाला था, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा लो थी, मैं भाग लिया फटाफट हील करके। और ऐसा नहीं है कि इस एपिसोड में सिर्फ एक ही है, दो दो है भाई, ये दूसरा वाला तो मारा भी नहीं मैंने, भाग लिया बस उससे। एंड अब सेफ्टी डिपॉजिट रूम में यहाँ पे गया, 2 बटन गायब थे पर आई डोंट थिंक वो इतने नेसेसरी है, पर भाई ये आदमी ऊपर चढ़ गया मेरे, क्यों भाई क्यों। एंड ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक ही था, एक होता तो भाई मैं आराम से संभाल लेता इसको, दो दो और आगे पीछे से।
क्या कहे भाई, जस्ट रेजिडेंट इवल 3 एल्गोरिथम्स, एक की जगह दो, नहीं एक से भले दो, दो से भले तीन, यही चलता है इनका ज़ॉम्बीज के मामले में। एडम मैंने एक ही करके जितने मैं खोल सकता था उतने मैंने खोले यहाँ पे। बट यहाँ से मेरे को एक बहुत तगड़ी चीज़ मिली, बहुत तगड़ी चीज़ मिली, एंड वो चीज़ थी बैटरी। ये थी, अब मेरे को बस ऊपर जाना था एंड वहां से बैटरी लगा के बम उड़ा देना है बस भाई, वो पूरी की पूरी दीवार उड़ा देनी है मेरे को। यहाँ पे गेम से हुई और मेरे को पता चल गया कुछ ना कुछ होने वाला ब्लास्ट से, एंड सब जानते हैं यार अगर मैं उधम मचाऊंगा तो जॉम्बीज आएंगे। अभी इसने बोला गोना हेड योर वे, और ये आदमी पहुंचा नहीं, जब तक हमने जॉम्बी नहीं मारे ये आदमी पहुंचा नहीं। नहीं जॉम्बी क्या, जब तक हम स्टार ऑफिस नहीं पहुंचे ये आदमी पहुंचा नहीं, इसको आधा घंटा लग गया आने में। देख मैं होता ना, मैं पता क्या करता, दीवार में छोटा सा छेद करता, वहां से भाग के निकल जाता। सीधी बात है, मेरे को जॉम्बी उठाने से अच्छा ये चीज है, छोटा सा छेद करता, 2 महीने बैठ के पतला होता, फिर निकल जाता मैं। भाई इनको कौन मारेगा यार, मैं इनको मारते मारते पागल हो गया, उन्होंने मुझे एक बार मार भी दिया। जैसे मैं यहाँ पे बाहर गया मेरे को भाई एक और लिकर दे दिया इन लोगों ने, मैं डर के मारे पैनिक हो गया, पूरा हिल गया मैं। एंड वही होना था फिर जो बाद में हुआ, लिकर ने गुद्दी तोड़ दी मेरी, और क्या था, चढ़ के भाई इसने क्या थप्पड़ मारा भाई, पूरी खोपड़ी उड़ा दी उसने मेरी। पर दूसरी बार मैंने ऐसा नहीं किया, दूसरी बार तो भाई दिमाग लगाया मैंने पूरा, एंड वो दिमाग अभी आपको देखने को मिलेगा। मेरे को पता चल गया भाई ये आदमी तो मर नहीं रहा, चुपचाप स्टार्स ऑफिस में घुस जाओ, एंड मैंने किया भी ऐसे ही, और पीछे भी नहीं आया ऊपर से। अभी कट सीन चल रहा, मेरे को लग रहा भाई अंदर भाग भाई, पीछे से आ जाएगा वो, इसको डर ही नहीं है कोई। एंड वो देखा अभी जिंदा लिकर, इतना याद रखना ठीक है, लिकर जिंदा है। डॉक्टर बार्ड, तेरी गलती है भाई, तू किसी को रीच करने की कोशिश कर रहा है, अपने दम पे कुछ नहीं है तू डॉक्टर। अच्छा हाँ, अब हमें हॉस्पिटल में भी जाना है यार, हॉस्पिटल में तो मत पूछो भाई क्या होता है, गैंग बैंग होगा भाई उधर हमारे साथ। ये देखो ये आदमी अंदर आ गया कैसे, तूने लिकर को मार दिया, अगर अब मैं बाहर गया और मेरे को लिकर मिला भाई इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। काट के कॉल भाई आदमी हो। I like him already. Yeah, you would. You heard what he said. We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mihail's call. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. ये आदमी फिर से बैठ गया, देखो दिस वो बोल भी रहा, दिस विल टेक सम टाइम, लुक अराउंड इफ यू कैन फाइंड एनीथिंग यूजफुल, मतलब ये आदमी को बस टक 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 करना है और कुछ नहीं, हम सारा काम कराना है इसको। इतना भाई मक्कार आदमी है, कैसा टीममेट दे दी यार उसने हमें, गलत बात है। देखो कुछ नहीं हो रहा उस कंप्यूटर में, कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे को मन करा गोली फेंक के मारूं इसके सिर पे, पर नहीं मार सकता। तो यार बस आज के पार्ट में यही था, शायद हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो, मैंने जितना हो सका अच्छा करने की कोशिश की वॉइस ओवर से, बट अब क्या करूँ वहाँ पे वॉइस ही बेकार हो गई थी, बट अब से ऐसा नहीं होगा। सेकिरो वाली मैं गेम खत्म कर रहा हूँ, रेजिडेंट ईविल के पार्ट तो मैं निकालता रहूँगा, एंड कोई तीसरी गेम भी ढूंढ रहा हूँ, वो भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मैं हर दिन शाम को स्ट्रीम करता हूँ, अगर किसी दिन छुट्टी होती मैं स्कूल नहीं जाता तो मैं दिन में भी स्ट्रीम कर लेता हूँ। तो बस यार आ जाया करो स्ट्रीम पर, थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, एंड अगर आपको जो गेम मैं खेल रहा हूँ नहीं देखनी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो आपको कौन सी गेम देखनी है, मैं वो वाली गेम की स्ट्रीम कर दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।